शिव को हम लोग भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था, तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है, मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ, ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं तफज्जुल हुसैन। मैं हूँ फैजान। और ये किसी ने उनके आसाम में कोई रहता है कोई आदमी, तो उसने जो हिंदू है वो, और उसने हमारे जो हमारा जो इस्लाम धर्म है तो उस पर उन लोगों ने कमेंट किया है, वो बहुत गलत कमेंट किया है। वो भाई बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि उन्हीं ने पूरी वीडियो देखी है। मुझे तो वो लैंग्वेज नहीं आती है, वो भाषा नहीं आती है, आसामीज नहीं आती है उनको, बाकी इनको आती है, ये बताएंगे आप सबको। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोग देखिए, एंड तक देखिए। इनका जवाब अपने आप का धर्म ही है, अपने धर्म के बारे में वो खुद सोचे, हमारे धर्म का ऊपर। अरे आप हमारे धर्म पर टिप्पणी करने से पहले आप अपने धर्म को देखें, जाने सीखें, है ना। कोई किसी का धर्म नहीं किसी को सिखाता है कि किसी के धर्म को गलत करें, है ना। वो हम लोग कभी किसी गलत को, किसी हम मुसलमान है किसी के धर्म को हम लोग गलत नहीं कहते। वो अपने धर्म में जी रहा है, हम अपने धर्म में जी रहे हैं। उन्होंने कुरान के बारे में गलत कहा और मुसलमानों को पांच मारेगा। आप लोग ये वीडियो देख लीजिए एक बार। দাদা এটা কথা কওকচোন, আপুনি দুটা আঙুলিয়ে পাঁচ মাৰিব পাৰিবনে? দুটা আঙুলিয়ে পাঁচ গোটেইকেইটা লাগিব লাগিব, তেতিয়াহে পাঁচটো পৰিব, তেতিয়া পাঁচটো পাৰফেক্ট হ'ব। তাৰমানে আমি যেতিয়ালৈকে সেই পাঁচটো এতিয়া কাক মাৰিম, এতিয়া ইছলামক মাৰিম, মুছলমানক মাৰিম, চিধা চিধি কথা। কিয় মাৰি দেখা হে মুছলমান কো মাৰেগা, চিধা চিধি কথা হে, যানি চিধা চিধি বাত হে, পাঁচ মাৰেগা। আর इसका कुछ दिन पहले बताया है, जो और एक वीडियो में बताया है कुरान शरीफ गलत है, कुरान शरीफ में भूल है, और एक वीडियो है वो भी वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। হালাল কৰা প্ৰত্যেকখন মাংস দোকান বন্ধ কৰিব লাগিব, প্ৰত্যেকটো মাদ্ৰাছা ৰাতিপুৱা মাদ্ৰাছা শিক্ষা বন্ধ কৰিব লাগিব, ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আজান দিয়া বন্ধ কৰিব লাগিব। प्रत्येक टू हलाल दुकान बंद करना है, हलाल दुकान यानी मांस की बात, घुस का बात कह रहा है। जो आप लोग देखिए दुनिया में इंडिया से कौन से बड़े बड़े कंपनी हैं, वो सब कंपनी का मालिक कौन है, हिंदू है ना मुसलमान है। अल कबीर आप सबको पता है, अल नूर जैसे बड़े बड़े मांस का जो घुस का जो कारखाने हैं, फैक्ट्री है, कंपनी है, इन लोग बाहर में सप्लाई देते हैं, वो सब तो बड़े बड़े हिंदू लोगों का ही है। तो पहले हम लोग कहता हूँ, वो सत्यरंजन बड़ा उनका नाम है, उनको कहता हूँ जो अपने धर्म के लोगों को बताए जो आप लोग छोड़ दीजिए। और वो बोला था जो उन लोगों का, उन लोग ने गाय का गोश्त खाते हैं, तो भाई वो भी रिक्वेस्ट किया, वो तो हम लोग सपोर्ट करूँगा, क्यों हम गाय का गोश्त खाना चाहिए, आप लोग अपने आप खाना छोड़ दीजिए। और दूसरा धर्म को कुछ ऐसे कुरान के और दूसरा धर्म के चिंता ना करके अपने बारे में चिंता करो, उससे इसीलिए हम लोग एक वीडियो पेश कर रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग एंड तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं माइक नंबर एक पर, वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तोपूपाल है, मैं मेघालय से आया हूँ। मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूर के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने? भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धर्म की किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ
तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते। आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है तो वो में लिखा, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब मैं जानता हूँ, मैं आपका जवाब देता हूँ, मैं जानता हूँ। मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मिसाल देता हूँ मैं। लूत अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है कुरान में नहीं लिखा है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 124,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ, जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूँ, वो बाइबल में गलत लिखा है, लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। अब समझिए ना, तो मैं कहता हूँ कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 124,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूँ मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूँ, श्री कृष्ण के बारे में मैं, राधा के बारे में भी जानता हूँ, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी भी जानता हूँ, श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूँ, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है। तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूँ कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना, अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है यानी पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना, तो इसीलिए ये चीज में मैं नहीं मानता हूँ। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, लेकिन आप नहीं मानते? बिल्कुल सही, बराबर। मैं भी नहीं मानता हूँ, मैं भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर, या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर तो दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता, पैगंबर तो दूर की बात। आप समझे ना, कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना, मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूँ। कुरान में नहीं लिखे क्या जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ? कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते खुदा एक है? थोड़ा बोलने दो, बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूँ मैं? क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में, जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8,000 श्लोक थे। उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने, बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा,
कहने कहने से हो गया 24,000 श्लोक, अभी 8,000 से 24,000 16,000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना, खुदा ने थोड़ी लिखे, वो तो इंसान ने लिखे। आज के तारीख में 1,00,000 श्लोक है, तो ये सब मिलावट है ना, वैसे मिलावट आती गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर एक ग्लास पानी है, साफ पानी है, एक कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, आपके सामने डालूंगा गंदा पानी काला पानी एक बूंद, उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा, आप वो पानी पियेंगे? क्यों? मिलावट है। अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना। तो जब पता चल गया कि मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना, इसमें एक भी मिलावट नहीं है। चैलेंज है कुरान में, कुरान का चैलेंज है। इसीलिए जो लोग तनकीद करने की कोशिश करते हैं, एक फेमस आदमी है विलियम मोर, जो बहुत तनकीद करता है इस्लाम का, तो ये विलियम मोर ने जो सबसे ज्यादा कट्टर खिलाफ था इस्लाम के 200 साल पहले लिखा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 100% अभी तक के हूबहू वही है, जरा भी मिलावट नहीं है, वो था ईसाई, उसने कहा वो कुरान है। तो जो तनकीद करने वाला ऐसा लिख रहा है कि 100% वाहिद किताब जो 100% अभी तक सही है वो कुरान है, तो इसीलिए अगर आपको पता चला कि बाकी किताबों में मिलावट है तो आप सही किताब की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ। हमको मालूम है लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। तो लोगों को छोड़ो, आप क्यों नहीं पहले मान लेते? आपको मालूम, आपने अमल कर रहे, तो बाकी लोग क्यों अमल करेंगे भाई? लोग तो खराब नहीं देखता है, सिर्फ बोलता है अच्छा है अच्छा है, लेकिन लिखा तो हम शास्त्रों क्यों माने वो? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों मान रहे फिर? सिर्फ उसी तरह और छोटा एक क्वेश्चन है, दो मेरा क्वेश्चन है। पूछे पूछे। लेके आया लेकिन मौका नहीं मिला। ठीक है, अभी मौका मिलेगा, बोलिए पूछे। शिव को हम लोग भगवान मानते हैं, जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था, तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब मेरा जवाब वही है, मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ, ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ। ये मैं मानता हूँ जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन मैं ये सब बात करूँ तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना। मैं अमन वाला आदमी हूँ ना, कुरान में भी नहीं लिखे लोगों की तनकीद करो। कुरान में लिखे सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 के वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो। बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। कुरान में लिखी है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। इसीलिए जो आप बोलते हैं बिल्कुल सही है, मैं कहां कहता हूं गलत है? इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सब चीज अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया, हम दो भाई एक साथ, दो भाई साथ में, माशाल्लाह, दो सवाल दो भाई, माशाल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है। और आपका नाम? टोपू पाल। टोपू पाल, माशाल्लाह, दो पाल इधर आ गए, माशाल्लाह। आप दोनों मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप दोनों मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? जी हाँ। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। आप मानते हैं? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी जबरदस्ती? नहीं। कोई भी दबाव है? नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते? यस सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। इंशाल्लाह, तो मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए, अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूं के अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए, और आपके जरिए और लोगों के दिल के ताले खोले इंशाल्लाह।
सर एक बार गले लगना चाहता हूँ और एक कुरान मुझे दे। सुने हो लास्ट तक बंदों ने कुरान शरीफ मांगा है, कुरान शरीफ वो दोनों भाई ने। देखो यही है इस्लाम का आदर्श है, किसी को फोर्स करना नहीं है और किसी को बलपूर्वक कोई गुस्सा करना नहीं है और किसी को जबरदस्ती इस्लाम पे। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग जानते सब कुछ है आप लोग के धर्म के बारे में मगर कुछ कहते नहीं है। हम लोगों का इस्लाम जो है वो हम लोग वो ये बात नहीं सिखाता है कि हम लोग दूसरे के धर्म को कुछ कहें। तो वही उन्हीं ने भी यही बात कही है ना कि हम लोग जानते सब है मगर बोलते कुछ नहीं है ना। वो कह रहे थे कि बोलेंगे तो फिर दंगे फसाद हो जाएंगे, तो सही कह रहे हैं। कहाँ हम लोग तो कुछ बोलते नहीं, आप ही लोग हैं जो देखिए कैसी कैसी बात करते हैं। तो इससे माहौल ख़राब होगा, इससे माहौल ख़राब होकर के माहौल ख़राब होगा, ये देश का शांति संप्रीति जो है वो विफल होते जाएगा। और कोई मजहब ये नहीं सिखाता जो दूसरा को प्रेशर दे अपने धर्म के बारे में बड़ाई करने के लिए, दूसरा धर्म को प्रेशर दिए कभी नहीं सिखाते। तो दोस्तों ये वीडियो का रिएक्शन आप लोग को कैसे लगा, अगर आप लोग अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा ये चैनल को, और ऐसी वीडियो पे हम लोग रिएक्शन देते रहेंगे। तो आप लोग खुश रहो, अच्छे रहो, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, जय आया।